नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सिंह। आज के हमारे गेस्ट है जो कि एक ऑथर है, उन्होंने यंग एज में एक पहली बुक लिखी थी और उनकी एज थी अभी 14 ईयर, और अभी वो दो बुक लिख चुके हैं और उनकी थर्ड बुक पब्लिश होने वाली है। तो आइए मिलते हैं हमारे यंग ऑथर से, जिनका नाम है लौकिक छटबा। लौकिक जी, आपका स्वागत है चाय पे चर्चा पे। हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि आप अपने बारे में और अपनी बुक के बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि मुझे यह अवसर दिया और ये मौका दिया कि यहाँ आके आपके दर्शकों से मैं बात कर सकूँ। सो आपका प्रश्न था कि मैं किस पे लिखता हूँ और मेरी बुक का नाम क्या है वगैरह वगैरह। सो आई एम अ सेल्फ हेल्प ऑथर। सेल्फ हेल्प का मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन फिक्शन जो जॉनर होती है उसमें मैं लिखता हूँ। एंड द फर्स्ट बुक विच आई पब्लिश्ड, वो मैं 14 साल का था तभी मैंने वो पब्लिश की थी। सो आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ हेल्प ऑथर्स इन इंडिया एंड द बुक्स विच आई राइट अबाउट आर अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स, एटीट्यूड, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बुक के द्वारा मैं लोगों तक, एंड बाय लोगों आई मीन टीनेजर्स, जो मेरे जैसे मेरे उम्र के लोग हैं, उनसे बातें करता हूँ और उन्हें एक मैसेज पहुँचाने की ये मेरी कह सकते हैं ये मेरा अटेम्प्ट था। सो दिस इज व्हाट आई राइट अबाउट। या ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप टीनेजर्स को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सो दर्शकों, उनकी बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स बेसिकली टीनेजर्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक मैसेज है उनकी एज के लोगों के लिए, और उनकी एज के लोग ही समझ पाते हैं कि क्या आपने वो थॉट लिखा है, क्या प्रोसेस। आपके दिमाग में क्या थॉट आया कि स्पेसिफिकली टीनेजर के लिए और ये थॉट के ये टॉपिक पे मुझे लिखना है? जी, सो हम देखने जाएंगे तो सेल्फ हेल्प जो मैंने कहा था वो जॉनर में बहुत सारी किताबें लिखी गई है, अमेरिकन ऑथर्स, ब्रिटिश ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, बड़े बुजुर्ग लोग जो वाइस पीपल रहते हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। बट मेरा कहना है, एंड ये हमारे जनरेशन का कहना है, कि ये किताबें वो जो 60 ईयर ओल्ड इंसान ने लिखी है वो अभी हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो जो ये मेरा बुक का मकसद है वो है कि अ टीनेजर्स पर्सपेक्टिव, हमारा क्या कहना है, व्हाट डज अ 16 ईयर ओल्ड फील, व्हाट डज अ 13 ईयर ओल्ड फील, व्हाट डज अ 20 ईयर ओल्ड फील अबाउट इट, नॉट अ 60 ईयर ओल्ड। सो दैट्स द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, एंड दैट्स वॉट मोटिवेटेड मी टू राइट दीज बुक्स, कि बड़े तो कह चुके हैं, अभी हमारा टाइम है कहना कि हमें क्या लगता है। एंड वही मेरा पूरा मकसद रहा है कि अभी कोई बच्चा है, हाँ, उसे यह टीनेज फेज में अगर कोई बड़ा सलाह देता है कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तो हमेशा ऐसा लगता है अरे पापा तो हमें सुना रहे हैं, अरे मम्मी ये बोल रही है, इनका कौन सुनता है, हम जो चीज़ कूल है वो करेंगे। सो ये फेज के वक्त जो कूल चीज़ें करने में बहुत गलत हो सकता है। सो ये एक लेक्चर ना होते हुए, ये बुक एक, ये किताब एक लेक्चर ना होते हुए एक डिस्कशन जैसा है, जहाँ पे वर्ड्स जैसे कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट नहीं लिखा गया, वी शुड डू दिस, वी कैन डू दैट लिखा गया है। ये सिंपल चेंज बहुत बड़ा प्रभाव डालता है रीडर्स के माइंड में, कि ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा तुझे सलाह दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो बहुत एक्सपीरियंस से वो सलाह दे रहा है, वो एक व्यक्ति जो हमारा उम्र है वो हमारे से बातें कर रहा है और वो कहना चाहता है कि आप, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, एंड हम ऐसे प्रगति कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द बुक्स यू कैन से ब्लर्ब इज। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि टीनेजर्स ज़्यादातर अपने दोस्तों की या उनके उम्र के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं,
बल्कि उनको आपने जैसे बोला कि बड़े की सुनते नहीं है और उनको लगता है भाषण देते, यू आर 100% करेक्ट. मैनी पेरेंट्स आर फेसिंग दिस इश्यू इन ट्रेनिंग द टीनेज टू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ऐसे जी. के और आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स को ये बुक हेल्पफुल होगी. मैं तो ये कहना चाहूंगी क्यों टीनेजर ही पेरेंट्स को भी ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उनको आइडियाज बहुत सारे इनके बुक्स के थ्रू रेफरेंस मिलेंगे कि उस सिचुएशन में उन्हें किस तरह संभालना चाहिए. और बहुत सारे जो टीचर्स हैं, स्कूल्स के लोग हैं, ये भी ये बुक पढ़े तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में ये फेजेस के टीनेजर्स को फेस करना रहता है. तो ये बुक काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होगी कैसे डील करना है उनके साथ, उनकी सोच के साथ. और टीनेजर्स की ऐसी क्रूशियल एज होती है ना कि हम नहीं बोल सकते वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं, या तो फिर हम नहीं बोल सकते कि वो बच्चे हैं. दे आर लाइक अ ग्रोइंग क्रिकेट, सो दे आर लाइक इन बिटवीन. वो बड़े और छोटो, ना छोटे में गिने जाते हैं ना बड़े में गिने जाते हैं. उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के फेसेस करना पड़ता है, इवन हार्मोनियल चेंजेस भी होते हैं उनके अंदर. तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, हमें उनको समझना चाहिए, हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री. और उन्हें समझेंगे तो हम एक अच्छे से सोसाइटी में बैलेंस रह पाएंगे. और आपकी बुक आई थिंक बहुत जन को हेल्पफुल रहेगी. सो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप हमारे यंग राइटर्स है या टीनेजर्स को, उनको कुछ स्पेसिफिक मंत्र या कुछ एक बात बोलना चाहेंगे जो आपको प्रभावित करती है? जी, सो ऐसे कोई स्पेसिफिक मंत्रा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट मेरा यह मानना है और मैंने ये बुक में भी डाला है कि जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, मैंने जो पढ़ी है, मैंने जो समझी है, दूसरों ने जो पढ़ी है, दूसरों ने जो समझी है, उनका इंटरव्यू लेके, उनसे बातें करके, वो मैंने जो इन्फॉर्मेशन या तो हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त किया है, वो मैंने ये बुक में दर्शाया है. और मेरा यह कहना रहेगा कि इंडिया में कि यह एक प्रॉब्लम है, टीनेजर्स और इनफैक्ट सब लोग रीडिंग की इतनी हैबिट नहीं है लोगों में. अगर मैं ये बुक 10 जन को देता हूँ तो उसमें से सिर्फ 3 जन यह बुक पढ़ेंगे, वो भी क्योंकि चल ना मेरे दोस्त ने लिखी है, पढ़ लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं. सो वो रीडिंग माइंडसेट और वो एटीट्यूड कि कुछ करना चाहिए, ये जो टाइम हमें मिलता है उसका कुछ सदुपयोग करना चाहिए, ये यू नो एक जुनून, वो थोड़ा हम आई फील इट इट्स लैगिंग. या एंड स्पेशली आई फील लाइक कि बहुत इग्नोर करते हैं लोगों को, और लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये स्पेसिफिक लैंग्वेज पढ़ो, लेकिन आप कौन सी भी लैंग्वेज की रीडिंग कर सकते हो, इसको आपको काफी नॉलेज मिलता है. नॉलेज के साथ दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता चलता है, आपका वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होता है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी करेक्ट होती है, और बहुत सारी नॉलेज भी हमें मिलती है. तो रीडिंग आई फील लाइक टीनेजर्स की एज में बहुत इंडिया में कम जन रीड करते हैं, वेयर एज हम देखने जाए इंटरनेशनल में दे आर बहुत सारे जने के आर इनटू रीडिंग, दे हैव रीडिंग क्लब, दे हैव मेनी थिंग्स रिलेटेड टू बुक्स एंड रीडिंग्स. So that's point number one. And point number two is imbibing. That is, बच्चों में, teenagers में, छोटी उम्र से ही पैसे कैसे संभालने चाहिए, कैसे उसे use करना चाहिए, कैसे उसे save करना चाहिए, और वो save करके कैसे invest करना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैंने ये book में, मेरा ये core topics रहा है कि financial literacy टीनेजर्स में कैसे डालनी, और हम टीनेजर्स कैसे अर्ली एज से कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है वो एक बच्चे को समझाना सिंपल नहीं है. एक 12 साल के 13 साल के बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट समझाना ये एक मुश्किल बात है. तो मैंने उसको कैसे डेली लाइफ एग्जांपल यूज़ करके, अलग अलग एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स यूज़ करके वो मैंने दर्शाया है उसमें, और वही फिर आगे जाके कैसे एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो मैंने बताया. तो ग्राफ्स यूज़ करके है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या वैल्यू है, अगर एक बच्चा 18 साल से एवरी डे SIP में थोड़े थोड़े पैसे अपने पॉकेट मनी बचा के करता है तो वो कितने कंपाउंड होके कितने लाख और करोड़ में कन्वर्ट होता है, वो सब मैंने दर्शाया. और ये तभी ही होता है जब भी हम जल्दी स्टार्ट करें, जब भी हम
18 साल के हो, 20 साल के हो, 17 साल के हो, तभी स्टार्ट करें। अगर हम 30 साल के जाके वो फिर याद आता है कि अरे शिट कर लेना चाहिए था। नो, दैट्स समथिंग वेयर वेयर टाइम्स ईट्स अस अप। सो स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई फोकस्ड ऑन। सो स्टार्टिंग अर्ली एंड इन्वेस्टिंग अर्ली, दैट्स वन ऑफ माय अदर टॉपिक्स which I have talked about. Yeah, that's true. आपने सही बताया कि जो early start करते हैं उनको experience भी जल्दी मिलता है. By the age of 30, they are all set to do many more new things. Anyway, the age is not a number to start anything new thing, but it matters कि आप जल्दी start करें तो जल्दी आपको experience मिलेगा वो चीज़ का और जल्दी आपको उसका result भी मिलेगा. दर्शकों, ये है लौकिक जी की दोनों books. First ये है और second जो इन्होंने अभी फिलहाल publish की हुई है. एंड लौकिक जी, आप ये अपनी सेकंड बुक के बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, तो यह बुक भी सेल्फ हेल्प जॉनर से है एंड ये नॉन फिक्शन बुक लिखी गई है. सो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप ये बुक ज़रूर पढ़िए और ये बुक अमेज़ॉन पे इंटरनेशनली अवेलेबल है. सो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं. बुक का नाम है ग्रोइंग बियॉन्ड द सिलेबस बाय लौकिक छाटबार एंड ये मेरे वेबसाइट पर भी है, laukikmchhatbar.com. आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी लिंक और ये बुक की लिंक दोनों मिल जाएगी दर्शकों. और आई होप आपको ये लौकिक जी के साथ का सेशन चाय पे बहुत अच्छा लगा होगा. आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक.